हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप सिंह आज आपके साथ में अकाउंट्स के एक चैप्टर की बात करने वाला हूं जो कि है एनपीयू। देखिए, आज की क्लास में तो हम केवल इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं और आने वाली कुछ क्लासेस में हम क्या करेंगे, इसके टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चंस को करना सीखेंगे और लास्ट में हम इसके एक फुल फ्लैश क्वेश्चन को करके देखेंगे जिससे कि चीज़ें सारी एकदम क्लियर हो जाएँ और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। राइट, इसके लिए आपको कुछ असाइनमेंट भी साथ में मैं लिंक दे दूंगा, तो उसके साथ में वो असाइनमेंट भी आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और अदरवाइज़ आप कोई भी बुक जो आपके पास है उससे भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम एनपीओ की मीनिंग की बात करें तो एनपीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो काम है वो प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल नहीं है। मतलब वो काम तो करेगी लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करेगी। तो अगर हम बात करें कि वो क्यों काम करेगी, तो पर्पज़ उसका जो होगा वो प्रमोट करना होगा किसी भी कॉमर्स को, आर्ट को, साइंस को, रिलीजन को, चैरिटी को, या एजुकेशन को, है ना, या फिर सोशल वेलफेयर को। तो कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिनके लिए वो काम कर रही हो, लेकिन याद रखें कि केवल उसका मोटिव जो होगा सोशल वेलफेयर हो सकता है या प्रमोटिंग हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट अर्न करना नहीं हो सकता। और देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि साथ साथ में उसको उस मोटिव को पूरा करते समय कुछ इनकम अर्न हो जाए, तो उस इनकम को वो कभी भी अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, अपने ऑब्जेक्टिव पर ही खर्च कर देगी। राइट, तो अगली लाइन में हम पढ़ते हैं, कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंटेंट टू एक्सपेंड देयर इनकम इन प्रमोटिंग देयर ऑब्जेक्टिव। यानी कि अगर उनको कोई इनकम होती है तो वो क्या करेंगे, उसको अपने ही ऑब्जेक्टिव पे खर्च कर देंगे। जैसे कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, अगर उसमें डॉक्टर को थोड़ी बहुत फीस चार्ज करते हैं जिससे उनकी कुछ इनकम हो गई है, तो उस फीस के पैसे को भी वो क्या करेंगे, यहाँ पर ही खर्च कर देंगे, यानी कि हॉस्पिटल में ही खर्च कर देंगे। राइट, कहता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रोहिबिटेड द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू देयर मेंबर। बट इट मीन्स के जो मेंबर हैं उनको इनकम का कोई भी हिस्सा यहाँ पर नहीं दिया जाता, जो भी इनकम हुई है वो वहाँ पर ही खर्च हो जाएगी, यानी कि मेंबर्स की यहाँ पर कोई इनकम नहीं होने वाली। जैसे कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करती है तो क्या होगा, उसके मेंबर्स को उसका जो शेयर है उसके अकॉर्डिंगली डिविडेंड मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। राइट, तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो देखिए, बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहले हमें नज़र आता है फॉर्म्ड बाय प्रमोटर्स। बट इट मीन्स इसको जो बनाया जाता है वो इसके प्रमोटर्स के द्वारा बनाया जाता है। राइट, और प्रमोटर कौन होते हैं, तो वो कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है या फिर कोई भी एंटरप्राइज हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सेपरेट एग्जिस्टेंस, मतलब जो एग्जिस्टेंस होगी एनपीओ की वो उसके मेंबर्स से अलग होगी। दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर, दैट इज द लाइफ ऑफ एनपीओ इज अनअफेक्टेड बाय लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। यानी कि उसके जो मेंबर्स की लाइफ से एनपीओ की लाइफ का कोई लेना देना नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं पर्पज़ की, तो देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका पर्पज़ होगा वो किसी कल्चर, एजुकेशन, रिलीजन, प्रोफेशन को बढ़ावा देना होगा, सोशल वेलफेयर हो सकता है ना, तो कई सारे इसके पर्पज़ हो सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट कमाना इसका पर्पज़ नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा, तो इसे चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में या फिर किसी ट्रस्ट के रूप में हम बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो नो प्रॉफिट मोटिव, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एनपीओ है तो मतलब वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा, तो इट्स एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, हाउएवर द ऑर्गेनाइजेशन इज कैपेबल ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, एनी सरप्लस इज यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स प्रिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिव रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स अमंग द मेंबर्स। नेक्स्ट कहता है मैनेजमेंट, तो देखिए मैनेज इसको किया जाएगा इसके ट्रस्टीज के द्वारा या फिर मैनेजिंग कमिटी के द्वारा। राइट, अगर हम बात करते हैं इसकी फंडिंग की, यानी कि इनको पैसा कहाँ से मिलेगा अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, तो यहाँ पर हमें पैसा जो मिलेगा अपने मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी कि मेंबर्स से चंदा लेते हैं, साथ ही साथ में इन्हें डोनेशंस मिलते हैं वहाँ से इनके पास कुछ पैसा आ जाएगा, या फिर गवर्नमेंट भी इनको कुछ ग्रांट देती है कुछ सोशल वेलफेयर के काम के लिए, गवर्नमेंट से भी इन्हें कुछ पैसा मिल जाता है। राइट, अब हम आगे बात करते हैं अकाउंट्स की, तो इन्हें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने होंगे, तो इन्हें हर साल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, और साथ ही साथ इन्हें
उसके बैलेंस शीट भी बनानी होगी, राइट। तो देखिए आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्लियर होंगे, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि इनके बीच डिफरेंस क्या है, मतलब प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बीच क्या क्या डिफरेंस हैं। तो देखिए पर्पस हमने पहले डिस्कस किया, जैसे कि इनका पर्पस क्या होगा, केवल किसी सर्विस को रेंडर करना, लेकिन यहाँ पे क्या पर्पस होगा कि भैया हम प्रॉफिट कमा लें। अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन और मैनेजमेंट की, तो इन्हें बनाया जाएगा तो प्रमोटर के द्वारा, और मैनेज्ड किसके द्वारा होंगे, ट्रस्टी के द्वारा, अभी हमने पीछे पढ़ा। और इनको बनाया जाता है एंटरप्रेन्योर के द्वारा, यानी कि उद्यमियों के द्वारा इन्हें बनाया जाता है, और मैनेज भी इनको ज़्यादातर मैनेजर करेंगे या फिर बिजनेस के ऑनर ही इनको मैनेज करेंगे, राइट। अगर हम बात करते हैं फंड की, तो देखिए फंड इनको हमने जैसे कि अभी पीछे पढ़ा कि मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन या फिर डोनेशन या फिर सरप्लस वगैरह से इन्हें फंडिंग होगी। तो देखिए अगर बात करते हैं प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो अगर प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप है तो वो क्या करेंगे, कैपिटल लेकर के आएंगे, राइट। और अगर कंपनी का केस है तो क्या होगा, शेयर कैपिटल से इनकी फंडिंग होगी, राइट। और देखिए यहाँ पे अगर कुछ प्रॉफिट होता है जिसको बांटा नहीं जाएगा पार्टनर्स के बीच में, उसको हम रिजर्व के नाम से शो कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो पार्टनरशिप हो, राइट। अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अभी हमने पीछे बात की एनपीओ के रिगार्डिंग, तो कि क्या क्या बनेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा और बैलेंस शीट बनेगी। लेकिन वहीं अगर हम प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमें आपने बनाया भी है ऑलरेडी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ ही साथ में बनती है बैलेंस शीट। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सरप्लस या प्रॉफिट की, तो यहाँ पर जो इनकम होती है एक्सपेंडिचर से ज़्यादा उसको हम बोलते हैं सरप्लस या फिर प्रॉफिट। बट यहाँ पर बोलेंगे कि जो क्रेडिट साइड है ओवर डेबिट साइड, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इज टर्म्ड एज नेट प्रॉफिट। यानी कि देखिए प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, उसमें आपने 11th क्लास में बनाया होगा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को बनाते हैं तो डेबिट साइड का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, देन क्रेडिट साइड से डेबिट साइड वाले टोटल को जब घटाते हैं तो जो बचता है वो क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट कहलाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, तो आई होप आपको ये डिफरेंस भी समझ आए होंगे। और इसी के साथ में इसके बेसिक की क्लास को हम ओवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और फर्दर वीडियो देखने के लिए इस चैप्टर की चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, राइट, जिससे कि आपको बाकी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।